नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ई रिक्शा का हेडलाइट हॉर्न नहीं काम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास ये ई रिक्शा आई हुई है, इसका लाइट और हॉर्न बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए मीटर में मैंने लाइन दिया, लाइन देने के बाद मैं ये हॉर्न बजा रहा हूँ, हॉर्न बिल्कुल ही नहीं बज रहा है। और ये लाइट का स्विच है, लाइट देने के बाद भी यहाँ देखिए हेडलाइट बिल्कुल नहीं जल रही है, क्या प्रॉब्लम है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम इसमें एक डीसी कन्वर्टर लगा हुआ होता है, उसके वजह से होता है। तो चलिए पहले मैं डीसी कन्वर्टर को चेक करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसका डीसी कन्वर्टर उड़ने के बाद भी ऐसा होता है। देखिए ये डीसी कन्वर्टर लगा हुआ होता है इसका, ये देखिए तीन कलर का तार लगा हुआ आता है, एक लाल है, एक पीला है और एक ब्लैक है। इस साइड से देख लीजिए, इधर से एक जो है ये आप देख रहे होंगे, इसमें एक ऑरेंज कलर का तार है। आप देख रहे होंगे इसमें एक ऑरेंज कलर का तार है, ये आसमानी कलर का तार है, ये ब्लैक कलर का तार है। इसमें जो है 48 वोल्ट सप्लाई होता है और ये 48 वोल्ट डीसी में जाने के बाद डीसी से 12 वोल्ट सप्लाई होकर इस तार में निकलता है, जो आसमानी कलर का तार है इसमें निकलता है। ये अर्थिंग है, सबसे पहले आपको इसको चेक करना है कि आपका डीसी बिल्कुल सही है या है कि नहीं। इसके लिए आपको ये मीटर मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। मल्टीमीटर को यहाँ देखिए, इसको 200 पे कर देना है। 200 पे करने के बाद यहाँ देखिए 200 पे कर देना है, उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका डीसी सही है या नहीं। इसका ये निगेटिव तार है, एक प्लस तार है, आप देखिए निगेटिव को मैंने निगेटिव में डाल दिया ब्लैक को, ये रेड को मैंने ये 48 वोल्ट वाले में चेक करना है कि 48 वोल्ट सप्लाई हो रहा है कि नहीं। यहाँ मीटर पे देखिए, आप देख रहे हैं 48 वोल्ट सही काम कर रहा है, 48 वोल्ट 51 दिखा रहा है इनकी, यहाँ तक 48 वोल्ट सप्लाई हो रही है। अब इसमें इसके बगल वाले तार में, यहाँ इस तार में आपको चेक करना है, इस तार में 12 वोल्ट आना चाहिए। अब मीटर में देखिए, देख रहे हैं आप देख रहे होंगे 12 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका डीसी सही है। 48 वोल्ट इनपुट होने के बाद आउटपुट में 12 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, यानी कि वायरिंग में कुछ फॉल्ट हो सकता है। आप इसे गौर से देखिए, इस कलर के तार को देखिए, ये आसमानी कलर का तार है, ये तार को आपको आगे जाके चेक करना पड़ेगा इसमें 12 वोल्ट सप्लाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें 12 वोल्ट सप्लाई होगा उसके बाद ही आपको पूरा गाड़ी में आपका जितना लाइट है, हॉर्न है, इंडिकेटर है, तभी जलेगा। यहाँ तक तो बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि आपका ये डीसी बिल्कुल सही है, ये सप्लाई कर रही है, 12 वोल्ट निकाल रही है। अब देखना है आगे चल के, देखते हैं हम लोग इसमें 12 वोल्ट वहाँ पे आ रही है कि नहीं। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ आपको। इसके लिए आपको यहाँ पे हेडलाइट के पास आना होगा, अक्सर यहाँ गर्दन के पास जो है ना ये तार टूट जाता है, क्योंकि गर्दन के पास कड़ा हो जाने के बाद तार से गर्दन जो घुमाता है ज्यादा, हैंडल घुमाने के बाद धीरे धीरे कड़ा होने का यहाँ तार टूटता है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखाता हूँ 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। आप मीटर पे ध्यान देंगे, देखिए सेम वही कलर का तार है जो आप मैंने आपको डीसी में दिखाया, देख रहे होंगे। इसमें चेक करिए इसमें 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है कि नहीं। ये अर्थिंग को आप कहीं भी अर्थिंग दे सकते हैं, देखिए ब्लैक तार है, ये ब्लैक तार में है। आप अर्थिंग मैंने डाल दिया है। अब मुझे ये देखना है मीटर पे, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए मीटर पर देख रहे होंगे आपको कुछ नहीं दिखा रहा, इसका मतलब इस तार में 12 वोल्ट सप्लाई नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि कहीं तार में फॉल्ट है। तो मैं उस तार को फॉल्ट को दिखाता हूँ, वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप नहीं करेंगे वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि गर्दन के पास पुराना तार है, बहुत खुली हो सकती है। देखिए ये भी कलर का तार है, जो भी इस कलर का तार उसको आपको चेक करना है, इस तरह को तार को चेक करिए, कभी होता है गर्दन के पास भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। मैं देखता हूँ इस तार को घिस के देखता हूँ, हो सकता है कहीं डैमेज होगा। इधर तो बिल्कुल सही है, ये तार बिल्कुल सही है, आप देख रहे हैं इधर से सही है, लेकिन आप नीचे पीछे देखता हूँ, देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ देखिए ये तार टूटी हुई है, यही तार टूट गई है जो यहाँ से आती है सप्लाई, नीचे से डीसी सप्लाई जो आती है वो तार टूट गई है। इस तार में करंट नहीं जा पा रहा, इसी वजह से लाइट हॉर्न कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो मैं देखता हूँ, ये देखिए ये तार जो है इसका ये तार ओपन हो चुका है, ये तार छूट गया है, इसी में 12 वोल्ट का सप्लाई है। मैं आपको मल्टीमीटर से दिखाता हूँ,
यहाँ देखिए मीटर में देखिए आप देख रहे हैं 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है इस तार में, यही तार में फॉल्ट था, ये तार टूट चुका है। अब आपको करना क्या है, इस तार को आराम से इस तार को इस तरह से आपको जोड़ देना है, अच्छी तरीके से आपको जोड़ना है। यहाँ देखिए मैंने इस तार को जोड़ दिया, बढ़िया से देखिए, इस तार को देखिए अच्छी तरह, देखिए इस तार को मैंने जोड़ दिया है, इसको अच्छी तरह से बाद में टेप कर दूंगा, पहले मैं चेक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं लाइट तार जोड़ने के बाद देखिए यहाँ हेडलाइट जलना शुरू हो गया है, देख रहे हैं। अब मैं हॉर्न बजा के आपको दिखाता हूँ, अब आवाज सुन रहे होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तार को आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है, वहाँ डीसी से जो भी तार आता है, किसी किसी में तार का कलर चेंज कर दिया जाता है, इसमें ये आसमानी कलर का तार था, ये देखिए यहाँ टूट चुका था, इसे जोड़ने के बाद आपका लाइट हॉर्न इंडिकेटर सारा काम करना शुरू कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और आप आसानी से इस तरह का फॉल्ट अगर आपको आती है तो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। धन्यवाद।